इंडियन इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। इवन दो एनडीए एज एन अलायंस तैयार है सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, कुछ स्टेट्स के रिजल्ट्स हैव बीन रियली सरप्राइजिंग फॉर बीजेपी और उसमें से एक नाम आता है महाराष्ट्र का। इस स्टेट में इलेक्शंस 5 फेजेस में हुए हैं और वन ऑफ दो स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल शिफ्ट्स एंड स्प्लिट्स देखे गए थे। बहुत ही कंफ्यूजन था और रीअरेंजमेंट्स के बाद मेजरली महाराष्ट्र पॉलिटिक्स डिवाइड हुआ महायुति अलायंस और महाविकास अघाड़ी में। ऑपोजिशन अलायंस था द महाविकास अघाड़ी, अ टीम ऑफ उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार एनसीपी एंड द कांग्रेस। जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए, फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। जहां नेशनल लेवल पे इट वाज एनडीए वर्सेस द इंडिया अलायंस, वैसे ही महाराष्ट्र में एक युद्ध छिड़ गया था बिटवीन द महायुति अलायंस एंड द महाविकास अघाड़ी। द महायुति अलायंस राइडिंग ऑन द मोदी वेव टारगेट बनाया था 45 सीट्स का आउट ऑफ 48। जब एग्जिट पोल्स का रिजल्ट आए दे सजेस्टेड अ क्लोज कॉन्टेस्ट, बट जब फाइनल रिजल्ट्स आए इट केम एज अ शॉकर फॉर द महायुति अलायंस। प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ गए, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आए थे वो सारी जगह हार गए और इसलिए मैं मेरी पब्लिक मीटिंग में कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी और आने चाहिए महाराष्ट्र में। उन्होंने हर एक जगह पर मीटिंग ली होती तो हमारे लिए काफी अच्छा काम, हमारा प्रचार वही कर रहे थे। बीजेपी फेस्ड अ ह्यूज सेटबैक। बीजेपी ने महाराष्ट्र में खोई 14 सीटें एंड दे वन 9 सीट्स। बात करें महाविकास अघाड़ी वर्सेस द महायुति अलायंस की, तो 2024 इलेक्शंस में महाविकास अघाड़ी ने क्लियरली महायुति अलायंस को ओवरटेक कर लिया है। वैसे तो मुझे जितने हमने लड़ी थी 48, तो 48 के 48 हमें जितना चाहिए था, उम्मीद तो वही, विश्वास भी था। ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ हुई है क्या, इसे आशंका आ सकती है। इस पूरे इलेक्शन के दौरान कुछ की टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं महाराष्ट्र में। वन ऑफ द बिगेस्ट वाज सेंटिमेंट ऑफ सिंपथी फॉर उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार, द मराठा कोटा एजिटेशन एंड द फार्मर्स इशू। और मैं तो कहता हूँ कि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया। यहाँ तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी, उनको भी मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। और तो आप देखो सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा, मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। इन लोगों ने मेरी आलोचना की, गाली गलौज की, मैंने कहा नहीं कि मैं तो रोज 5 किलो गालियां खाता हूँ जी वगैरह, कुछ कहा नहीं। ना ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ, मैं तो हूँ कॉमन मैन, हूँ बाला साहब का और माँ का बेटा हूँ और मैं तो लड़ा, जितने सारे लोग मेरे साथ खड़े रहे। What do you think कि इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा गेम चेंजर क्या फैक्टर रहा है? Let us know in the comment section below. Stay tuned to Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.